जो मेन चीज है यहाँ की, ग्लाइडर, ये रहा, ढक रखा है। आ जा। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम लोग आए हैं अपने चिराग भाई के रिसोर्ट पर। यहाँ पे हमें दो काम थे, एक तो था अपनी हेक्टर प्लस की वीडियो शूट करना, और आपको एक पूरा टूर दूंगा इस रिसोर्ट में कि कैसा क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये वीडियो लगने वाली है, क्योंकि इस रिसोर्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए। एक तो वो जो होता है, एक तो RTV बाइक है, एक ग्लाइडर है, जो हेलीकॉप्टर जिसे हम बोल सकते हैं अपनी देसी भाषा में उड़ने के लिए। तो देखो इधर तो ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, और इस साइड में हम ये इतने ऊपर हम चढ़ के आए यहाँ से इधर जाने का, और इधर से नीचे उतर के, और इस साइड में ये पूरा रिजॉर्ट है, ये रूम्स वगैरह हैं, और इस साइड में ये मतलब वैसे थोड़ा बैठने उठने के लिए ये भी रूम्स वगैरह हैं, रूम्स में कन्वर्ट है, और जो अपनी गाड़ी है वहाँ पर खड़ी है, वहीं पर हमने वीडियो शूट की थी, अपनी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी है। और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको इसको पूरे एक टूर दे के दिखाता हूँ मैं। कैमरा इतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, पर जो ये आप ऊँचाई देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मतलब 3 मंजिल जितनी आप इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा। वहाँ से चढ़ के ऊपर आए, फिर इधर से चढ़ के इधर से ऊपर आए। ये कैमरे मतलब छोटा लग रहा है, पर है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और जो सारी एक्टिविटीज़ यार क्या करके दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चढ़ने में तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा, डिफ़िकल्ट लगा चढ़ने में, पर नीचे जाते वक्त तो मतलब फट रही है बहुत बुरी वाली। अरे फट्टू उतर ले फटाफट, उतरना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट भरा टास्क। एक टास्क तो कंप्लीट हो उधर से नीचे आने का, एक टास्क और बाकी है। एक एक्टिविटी यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, यहाँ से चढ़ के यहाँ से जाने के लिए, और बड़े बच्चों के लिए उधर चढ़ के उधर से आने के लिए। और एक एक्टिविटी है, एक इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, पूरा मतलब खतरों के खिलाड़ी वाला सिनेरियो बना रखा है यहाँ पे रिजोर्ट में। स्विमिंग पूल तो सभी जगह मिल जाता है रिसोर्ट में, पर ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मड बात। सो स्टार्ट करते हैं रिसेप्शन से। रिसेप्शन एरिया इस साइड पे है, और जो फंक्शन वगैरह होते हैं उस साइड पे, और बाकी आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या है। आने के लिए एंट्री उधर से है, अब इस साइड में एंट्री करोगे तो यहाँ पे जब सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक स्विमिंग पूल। पहले नाव और फिर आगे बढ़ो। और ये रेस्टोरेंट, जो हमें दिखा रहे हैं भाई वो अपने चिराग भाई दिखा रहे हैं अब कहाँ क्या क्या है। यहाँ पे रेन डांसिंग, डांस करो दबा के। यहाँ पे छोटी पार्टी वगैरह कर सकते हैं, छोटी तो नहीं बहुत बड़ी भी हो सकती है भाई पार्टी तो पूरी। ये अपने रूम्स यहाँ पे हैं, इस साइड क्या भाई, ये छोटे विलाज टाइप हैं। आपको सिंगल एक अलग से चाहिए, एक अपना रूम बिल्कुल एक घर सा है, साइड में दिखाएंगे पूरा किचन वगैरह सब कुछ। और एक कपल्स के रूम, फैमिली के रूम, कूपन कोड भी लगा सकते हैं चिराग, 25% ऑफ मिलेगा। ये ग्लाइडर है, ढक रखा है कोरोना की वजह से। जो मेन चीज है यहाँ की, ग्लाइडर, ये रहा, ढक रखा है। अभी इसका जो ऑपरेटर है अपने घर छुट्टी पे कोरोना की वजह से, किसी दिन इसको उड़ा के जरूर दिखाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे कैसा लगता है रिसोर्ट। एक RTV भी है, प्राइवेट पूल भी मिलेगा, थोड़ा सा गहरा है। मेरा हाइट का आदमी इसमें पक्का डूब जाएगा। इस साइड में बच जाऊंगा। और बाकी
ये रहा एक मिनी जू भी है यहाँ पे। लॉकडाउन की वजह से जो बड़े थे शेर वगैरह थे वो तो अपने घर चले गए, भेज दिए। अब ये छोटे छोटे ये बचे हुए हैं रैबिट्स, हैमस्टर कह लो भाई। चलो ये अपनी शूटिंग रेंज, ये छोटी जैसे मेले वेले में गुब्बारे वगैरह लगाते हैं उस टाइप की। ये लो बोल डालने के लिए। ये जिप लाइनिंग, हट जा भाई, कभी आएंगे पूरी एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे एक एक। सिर्फ मौत का कफन बांध के आएंगे जिस दिन एक्टिविटी करने आएंगे। कल रात को 12 बजे पबजी लवर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। इंडियन गवर्नमेंट ने रात 12 बजे से पबजी को और 118 ऐप हो रहे हैं मतलब इसी में वो सारी बैन कर दी है। एक तरफ से मतलब अच्छा ही काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार कि पबजी को बैन कर दिया। इस गेम का इतना ज़्यादा एडिक्शन था ना, मैं दिल्ली रहता था, वो कभी बाद में बात करूँगा दिल्ली क्यों रहता था। तो दिल्ली रहता था ना, सुबह के 4 बज जाते थे इस गेम खेलते खेलते, इतना चिक्कम चिल्ली मचाते थे ना, बड़े डाकू आ गए वो आ गए ये सभी करते रहते थे। गेम के बिना मतलब ऐसे लगता था अधूरा अधूरा से पढ़ते भी थे, फिर भी लगता भाई गेम खेल ले गेम खेल ले। अब एक और चीज़ है देखो, इस चीज़ को देखा जाए तो 2018 से आया हुआ ये पबजी, इस चीज़ को तो इतनी जल्दी से इस पर एक्शन ले लिया। अब SSC का कितने पहले से SSC का बोर्ड बना हुआ है और वो अब तक वो अपना रिजल्ट कंडक्ट कराती है। 2017 में जो फॉर्म भरे गए थे उनका टेस्ट वगैरह हुआ, अब तक 2017 वाले बच्चों की अब तक कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उस चीज़ को भी करो यार सोल्व, खाली सिर्फ ये पबजी वगैरह ये चाइनीज ऐप यही अटक के हो जाएगा, अपने देश को तो उभारो। GDP इतनी डाउन जा रखी है 23%, चलो ठीक है, बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा हो रखी है, लोग हैशटैग करने लग रहे हैं, ट्विटर पे पोस्ट करने लग रहे हैं, DP लगाने लग रहे हैं, मैं बेरोजगार वो सब करने लग रहे हैं। अब बेरोजगारी से हटके अब क्या है, अब जो कंपनियां थी जो सरकारी कुछ कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, 15-17 कंपनियां थी, उनको प्राइवेट करने लग रहे हैं। रेलवेज को भी प्राइवेट कर दिया। अब रेलवेज में NTPC के फॉर्म निकले थे, उसमें करीब 1.5-2 करोड़ तो फॉर्म भरे गए थे, 500 रुपये पर हेड फीस ली गई थी, अब तक उनका टेस्ट भी नहीं हुआ है। और जैसे 500 रुपये पर हेड फीस ली गई थी, 1 करोड़ के हिसाब से कितने ज़्यादा रुपये तो वो गए, वो सारे रुपये कहाँ गए। अब रेलवेज को भी प्राइवेट करने लग रहे हैं, ये NTPC के फॉर्म भी अब तक इनकी कुछ भी नहीं हुआ, इनको अब तक वेंडर ही नहीं मिला टेस्ट कराने वाला, क्या चल रहा है यार ये सब। ये फालतू चीज़ें तो सबसे आगे बढ़ के कर लेंगे। अब बानना क्या है कि कोरोना है, कोरोना में इनकी बिहार में रैलीज तो हो जाएंगी, तब तो इनको कोरोना नहीं होगा, पर अब जैसे पेपर चेकिंग का टाइम आएगा, पेपर कंडक्टिंग का टाइम आएगा, तो इनके कोरोना हो जाएगा। अब JEE और NEET का एग्ज़ाम हुआ कल, तब इनके कोरोना नहीं हुआ, क्यों पता है ना, JEE और NEET इनके डंडा कर देंगे बुरे वाला। UPSC में क्यों नहीं होती, UPSC की डेट फिक्स होती है, उनमें क्यों नहीं होता, वो डेट टू डेट होते हैं, पर SSC के बच्चे तो एकजुट नहीं हो, कोई किसी चीज़ लड़ रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब जब वीडियो शूट करने लेनी है नेक्स्ट डे, जो रिजॉर्ट की वीडियो के बाद हम एक दो जिंगर हो गए थे गाड़ी की वीडियो बनाने, वो सब आप फोटो व्लॉग्स में देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना रखी है मैंने। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो किसी भी रीज़न से तो प्लीज़ लाइक करें, और उसके साथ में डिसलाइक का बटन भी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप वो डिसलाइक करेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।